IRCTC वर्सेस IRFC, भाई IRCTC इतना भाग रहा है, IRFC क्यों नहीं भाग रहा है? हमने देखा IRCTC यानी जो रेलवे की कंपनी है, केटरिंग की कंपनी है, टूरिज्म की कंपनी है, उसके अंदर तो न्यूज़ दबा के आ रही है और वो प्रॉफिट भी कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि IRFC का जब से IPO आया है तब से स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए है, पॉजिटिव रिटर्न्स तो कभी दिए ही नहीं है। 52 वीक हाई भी अगर हम देखें तो 26 का गया था, 25 पे लिस्ट हुआ था। तो हमने देखा यार इतना कुछ मतलब मूवमेंट ही नहीं है स्टॉक में। और हमने देखा कि इसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट हमें पॉजिटिव आने देखने मिला। एक क्वार्टर कितने टाइम का होता है? 3 महीने का होता है, आपको पता है। 3 महीने के अंदर अंदर इसने अपने प्रॉफिट्स को डबल से भी ज्यादा, मतलब डबल तो नहीं लेकिन 68% कर दिया। 68% मतलब क्या होता है, आप 100 रुपए का 68% 168 होता है। तो आप देख सकते हो मतलब पहले 100 रुपए आते थे तो उसके बाद 168 आएंगे। अगर आप फाइनेंस की दुनिया से हो तो आपको पता ही होगा परसेंट कैसे होता है, 68% मतलब क्या होता है। तो 68% अपने 3 महीने के अंदर अंदर निकालना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। और अगर हम देखें तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट राइज 68% इन 15019, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जून क्वार्टर के बारे में है, तीन एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, अगर ईयर ऑन ईयर हुआ तो शायद अलग हो जाएगा, बट 68% ईयर ऑन ईयर भी निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आप देख सकते हो किस तरह से IRFC ने हमारे नेट प्रॉफिट को तो बीट किया है, लेकिन फिर भी लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हैं? और मतलब डरते तो नहीं है लेकिन स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? इसका सीधा सा सिंपल है रीज़न है कि इसके अंदर देखिए सर्किट्स लग रहे हैं, मतलब ऐसे तो नहीं कि एक जनरल सर्किट लग रहा है, बट ऐसा है कि देखिए नीचे जाता है फिर सर्किट लगता है, फिर ऊपर सर्किट, नीचे सर्किट, सर्किट 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 बहुत सारे हैं मार्केट में, कई सारे सर्किट्स लगते हैं और उसके अंदर मूवमेंट भी इसी तरह की होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं पहले आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर बायर्स और सेलर्स कम है, मतलब जो ट्रेडर्स है जो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कम है। तो ऐसे क्या होता है ना, और वो क्यों कम है, क्योंकि देखिए इसकी कोई एक्टिव न्यूज़ नहीं आ रही है। अब कई सारे स्टॉक्स न्यूज़ बेस्ड ही रहते हैं, जैसा कि आप देखो तो IRCTC की कई सारी न्यूज़ आ रही है, लेकिन IRFC जो स्पेसिफिकली न्यूज़ चाहिए ना कि मतलब फॉर एग्जांपल IRCTC को ये सारी चीज़ें बनानी है, उसके लिए IRCTC को फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए IRCTC ने IRFC की मदद ली, ऐसी कोई न्यूज़ आ गई और स्टॉक भाग जाएगा, रॉकेट बन जाएगा। आप पकड़ में भी नहीं आएगा, इस तरह से स्टॉक है वो। तो एक जनरल न्यूज बेस्ड स्टॉक तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो चुका है, 23 के लेवल है, यहाँ पर 230 भी जा सकता है, लेकिन एक न्यूज चाहिए, ट्रिगर चाहिए बस, क्योंकि प्रॉफिट्स तो हमने देखा दबा के इंप्रूव हो रहा है, एक ट्रिगर चाहिए कि ऐसा हो जाए कि लॉकडाउन चले जाए, कोरोना चले जाए। हमने देखा कि 1,25,00,000 वैक्सीन डेली की लग रही है, आप देख सकते हो हमारे देश में आबादी कितनी है, 125 करोड़। तो आप देख रहे हो कि ये 3 से 4 महीने के अंदर सबको वैक्सीन लग के ख़त्म हो जाएगा, तो आप ये देखकर अनुमान लगा सकते हो कि 125 करोड़ के ऑन एन एवरेज पर हमारे इंडिया में वैक्सीन रेट चल रहा है। तो हमें तो लगता है कि 1-2 क्वार्टर रुक जाओ और उसके बाद ऐसा, मतलब देखिए हमने देखा कि जब भी कोई बड़ा पेंडेमिक होता है सो गवर्नमेंट ऑलवेज इन्वेस्ट इन दिस फर्नीचर और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक IRFC को एक प्लान रह जाएगा कि ओके आपके पास इतना एक्सेस अमाउंट है, इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करो, या फिर वो खुद ही यूज़ करेंगे, एंड वो यूज़ करेंगे तो पिक्चर में कौन आएगा, IRFC आएगा ना, एंड IRFC अपना कमीशन लेके जाएगा जो स्टॉक को ऊपर जाने के लिए एक अच्छा खासा रीज़न बन जाएगा। सो यही एक रीज़न बनने वाला है, ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है, या फिर ऐसा हो जाए कि ओवरसोल्ड हो जाए, लेकिन ओवरसोल्ड भी नहीं होगा बिकॉज इसके अंदर देखिए PE भी नेगेटिव में चले गई है, अर्निंग्स बराबर से आ रही है, लेकिन जो हमें स्टॉक में ग्रोथ देखने मिल रही है वो जीरो देखने मिल रही है, जिसकी वजह से PE नेगेटिव में गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड भी हो चुका है स्टॉक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी आने वाले 2 से 3 साल भी स्टॉक भागे ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन भागा स्टॉक उस दिन स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में अलग क्या है, बस यही अलग है कि IRCTC वर्सेस IRFC करना है, IRFC से रिलेटेड IRCTC नहीं है, मतलब अगर IRCTC में कोई न्यूज़ आती है तो ये मत समझ लेना कि IRFC भी आगे भागेगा, क्योंकि देखिए हमने देखा रेलवे बेस्ड स्टॉक्स के लिए कितनी अच्छी न्यूज़ आई, इरकॉन भी भागना चालू हो गया, रेलटेल भी भागना चालू हो गया, IRFC भी भागना चालू हो गया, लेकिन IRCTC भी भागना चालू हो गया, लेकिन IRFC जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो भाग नहीं रही है।
क्यों? क्योंकि ये सारी कंपनीज एक तरफ और IRFC एक तरफ। जिस दिन IRFC भागेगा उस दिन ये वाली कंपनी ठंडी पड़ेगी या फिर वो अपने पेस पे चलेगी। तो आपको समझना है कि रेलवे सेक्टर में आपको दो न्यूज़ की का ध्यान रखना है। एक स्पेसिफिकली अगर IRFC पे आई तब जाके IRFC भागेगा, वरना अगर पूरे रेलवे सेक्टर पे आई तो रेलटेल को पकड़ सकते हो, इरकॉन को पकड़ सकते हो और हमारा IRCTC और जो भी रेलवे से रिलेटेड छोटे मोटे स्टॉक्स है उसको पकड़ सकते हो। सो आई होप, आशा करते हो आपको एक कंपैरिजन पसंद आया होगा। स्क्रीन पर आपको दो वीडियोस आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्लिक करके देख लेना।